है, पतंग के निशान पर मोहर लगाइए प्लीज। परंतु जुमेरात सर स्टैंड अप प्लीज। अवेयरनेस प्रोग्राम में दी है और अल्लाह ताला के फजल करम से यहाँ पर इससे पहले भी हमारे मुमताज खान साहब भी आए, जब भी इलेक्शन होते हैं तो मुमताज खान साहब। इलेक्शन का दौर है ये और यहाँ पर तकरीबन जो बच्चे बैठे हैं फर्स्ट टाइम वोट डालने के, मैं समझता हूँ आप लोगों से यही मेरी गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपकी जमात है, मजलिस की काफ़ी खिदमत आपम के लिए रही है और मजलिस ने बहुत कुछ इस कौम के लिए किया। मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, इसकी तफसील अगर आप मजलिस से सुनना है तो अपने वालदे से सुनिए। और आप तमाम से कह रहा हूँ 30 तारीख के दिन अपने घरों से आप खुद निकलिए और अपने वालदे को निकालिए, अपने बुजुर्गों को निकालिए और अपने भाई और बहनों को निकालिए। अगर सुबह सुबह आप पोलिंग बूथ पर जाइए, जो भी आपका पोलिंग बूथ है यहाँ पर भी है, वहाँ जाकर मजलिस के उम्मीदवारों के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। पतंग मजलिस का निशान है, या चार मीनार के अगर कोई लोग हैं, चार मीनार में ईवीएम मशीन पर मजलिस का निशान 2 है, 2 नंबर पर है वो। बटन दबाइए, पतंग रहेगी और बटन दबा कर भारी एक्सरे से कामयाब करिए। डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है और फर्स्ट टाइमर से कुछ आप गड़बड़ करने की जरूरत है, सुकून से जाइए, अपना एक एक वोट इस्तेमाल करिए। डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी से डरने की बात नहीं है। अगर कुछ अगर ऐसा रहा तो हम लोग बीच में रहेंगे, आपने जब चाहे बुला सकते हैं हम आएंगे, लेकिन अपने वोटों का इस्तेमाल करिए, बगैर किसी गड़बड़ करे, बगैर किसी उसके जाकर वोट डालिए, अपने माँ और बहनों को सबको निकालिए, बुजुर्गों को निकालिए, वालदेन को निकालिए, निकाल कर 30 तारीख के दिन पोलिंग बूथ तक जाइए। यकीनन मुझे यकीन है अगर पोलिंग बूथ पहुँचेंगे तो वोट तो मजलिस को ही पड़ेगा, आप लेइए जाकर मजलिस को वोट डालिए, पतंग का निशान है। अगर किसी के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो उसमें आप पासपोर्ट ले जा सकते हैं, लाइसेंस ले जा सकते हैं, आप बैंक की पासबुक ले जा सकते हैं, आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, या क्या वोट डाल सकते हैं। Zulfiqar Bhai,